Hello dear student, in last lecture we have studied electrostatics about charging of body. Body ko kis tarah se charge kiya jaye, usme teen process padhe the, by friction, by conduction and by induction method. In this lecture we will study about the properties of charge. क्या क्या प्रॉपर्टी है चार्ज की वो पढ़ेंगे हम लोग. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने चार्जिंग ऑफ बॉडी में जो पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को निकालने से अगर कोई सब्सटेंस दिया, सपोज यू हैव गिवन द सब्सटेंस, इफ यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सब्सटेंस, द सब्सटेंस बिकम्स वॉट, पॉजिटिव चार्ज. और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे देन सब्सटेंस बिकम वॉट, निगेटिव चार्ज. ये दो पढ़े. अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कितना होता है चार्ज, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से कितना चार्ज क्रिएट होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. द चार्ज ऑन एनी बॉडी मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. द चार्ज ऑन एनी बॉडी मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. देखो इधर चार्ज, टोटल बॉडी का चार्ज कितना सपोज क्यू है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव. और इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस को देते हैं तो कौन सा चार्ज बनेगा, निगेटिव. ये डिपेंड होगा किस पे, चार्ज पे और इंटीग्रल पे. ये हमारा फॉर्मूला. वेयर एन क्या है, एन इज इंटीजर. एन क्या है, इंटीजर्स है. अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें तो ये क्या बनेगा, माइनस ई. ई ऑलरेडी हमको मालूम है कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, यानी 1 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. अगर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो +2 × 1.6 × 10⁻¹⁹. तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो +1.6 × 3 × 10⁻¹⁹. अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो प्लस की जगह पे कौन सा आएगा, माइनस. दैट इज अ फॉर्मूला फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. तो इस पर एक प्रॉब्लम करेंगे. सी दिस एग्जाम्पल, अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क. अ ग्लास रॉड एक्वायर अ चार्ज ऑफ +19.2 × 10⁻¹⁹ कूलम. फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड. क्या बोल रहा है, एक ये सपोज ग्लास रॉड है, इसको मैं सिल्क से रब करता हूं, बराबर है. तो ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाएंगे, सिल्क में. जब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क में जाएंगे तो ग्लास रॉड पे चार्ज जो क्रिएट हो रहा है वो कितना क्रिएट हो रहा है, +19.2 × 10⁻¹⁹ कूलम. प्लस देखिए हमको समझ में आ रहा है कि ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे. तो कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इतना ग्लास के रॉड के चार्ज क्रिएट होगा. सपोज व्हाट इज गिवन टू यू, चार्ज कितना दिया, +19.2 × 10⁻¹⁹ कूलम. We know that Q is equal to +/-NE, where E is equal to कितना होता है, हमको याद होना चाहिए, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, right? Substitute here, 19.2 × 10⁻¹⁹, N find out करना है, E कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹, divide करो, N is equal to क्या आ जाएगा, 19.2 × 10⁻¹⁹ अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹, कैंसल, पॉइंट रिमूव, 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32. कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स. यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से, ट्रांसफर मतलब ग्लास रॉड से सिल्क पे 12 इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से इतना चार्ज क्या होगा, क्रिएट होगा. समझे,
तो दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, इसके अंदर एक और क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास, क्या चार्ज के ट्रांसफर होने से, सपोज ग्लास रॉड से सिल्क पे जो इलेक्ट्रॉन्स अगर पास हो रहे तो ट्रांसफर ऑफ मास होगा क्या? अच्छा, पास कौन हो रहे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है? m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेस टू माइनस 31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10 रेस टू माइनस 31 kg। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे? 12 इलेक्ट्रॉन्स। कहां से? ग्लास से सिल्क पे। देखो, एक मास के लिए इतना, तो 12 मास के लिए कितना होगा? 12 इंटू 9.1 इंटू 10 रेस टू माइनस 31 kg। 12 9 108 + 1 109, एक नंबर के बाद। इतना मास क्या होगा? ट्रांसफर होगा कहां से? फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। अंडरस्टूड? नोट डाउन। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखो, 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 कूलम होते कितने में? 1 इलेक्ट्रॉन में। एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कितना कूलम चार्ज ट्रांसफर होता है? 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 कूलम। तो 1 कूलम के लिए कितना होगा? इसको यहां डिवाइड कर देंगे, 1 / 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स। कितना आ जाएगा? 0.80, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 5 / 8 × 10⁻²⁹ ऊपर जाके क्या होगा? +19। इसको 1000 कर दो, 3 × 0 / 8 इंटू, इसमें से 10⁻³ हटा दो, कितना आ जाएगा? 10⁻²⁹, 8 × 5 = 40, 10 बचा, सॉरी 8 × 6 = 48, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, कितना आ गया? 625 × 10⁻²⁹ इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक कूलम चार्ज अगर बोलेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 625 × 10⁻⁙ इलेक्ट्रॉन्स। यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, इसीलिए हो सकता है कुदरत ने तब छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। अगर बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन होते तो कितना मास ट्रांसफर होता? पॉसिबल ही नहीं था बताने के लिए। अंडरस्टूड? इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते बहुत छोटी छोटी यूनिट आती है, 1 μC, दैट इज 10⁻⁶ कूलम, 1 pC, 10⁻²⁻¹ कूलम, इसको 1 μC भी कहते हैं, 1 nano यानी 10⁻⁹, इस तरीके से हमारे यूनिट आते हैं। अंडरस्टूड? कॉपी कर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज योर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सपोज दो बॉडी ले लो, फर्स्ट दिस इज योर सेकेंड, एंड बोथ द बॉडी आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब ये हमारा सिस्टम हुआ और बाकी क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग से कोई लिंक ना हो। हाँ, ये बॉडी को आपस में लिंक कर सकते हैं लेकिन सराउंडिंग से इसका कोई लिंक ना हो। सपोज इसके ऊपर 3 कूलम -3 कूलम चार्ज है और इस पर 5 कूलम चार्ज है। अंडरस्टूड? और ये आइसोलेटेड है, मतलब चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड द सिस्टम कितना होगा? बोलो। जस्ट ऐड कर देंगे, ये कितना है? -3 + 5, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2 कूलम। कितना चार्ज है? टोटल चार्ज इज हाउ मच ऑफ 2 कूलम। सपोज अगर मैं बोलूं कि ये 1 कूलम चार्ज बना रहा है,
इसको ज्वाइन करने से इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर हुए, अगर ये 1 कूलम एक्वायर कर रहा है तो ये कितना करेगा? देखो आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो ये कितना होगा 1 कूलम। अगर मैं बोलूं कि ये 3 कूलम चार्ज एक्वायर कर रहा है तो ये कितना करेगा, आंसर अभी भी कितना आना चाहिए 2, तो 3 में से 2 यानी यहां पे कितना चार्ज एक्वायर करेगा, -1 कूलम। एक और देखो एग्जांपल, अगर ये -2 कूलम कर रहा है तो ये कितना करेगा, आंसर 2 यानी कितना होगा +4 कूलम। अंडरस्टूड? जरूरी नहीं कि ज्वाइन करने से चार्जेस इक्वली क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, मतलब 2 है तो 1 कूलम इसको मिल गया, 1 कूलम मिल गया जिसको मिल गया, जैसे मैंने पहला कंडीशन बताया, ऐसा ये नेसेसरी नहीं है। सम कंडीशन में ये मिल सकता हमको इक्वल इक्वल, लेकिन हर कंडीशन में ये जरूरी नहीं कि चार्ज क्या हो, एवरेज इक्वली डिवाइड हो जाए। अंडरस्टूड? तो इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे इक्वली डिविजन के ऊपर, तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो दैट वॉज योर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो चार्जेस आर स्केलर, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी सिंपल जैसा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वैसा हम कर सकते हैं। सपोज 3 कूलम -2 कूलम टोटल कितना होगा, सिंपली ऐड करेंगे 3 कूलम प्लस -2 कूलम, दैट इज हाउ मच 3 - 2 कूलम यानी 1 कूलम। सिंपली एडिशन करेंगे, इसमें कोई वेक्टर जैसा कोई चीज़ करना नहीं, डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है, इट इज सिंपल अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए हमारा एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास 3 स्फीयर दिया हुआ है, ऑल आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड आर ऑफ सेम साइज, तीनों का मटेरियल भी सेम है और साइज भी सेम है। स्फीयर ए पे 3 मिलीकूलम चार्ज है, बी पर 3 मिलीकूलम चार्ज है और सी पर -6 मिलीकूलम चार्ज है। अंडरस्टूड? अब क्या बोला क्वेश्चन, फर्स्ट ए एंड सी टच ईच अदर, पहले ये 2 स्फीयर को उठाओ, इनको टच करो और फिर रख दो, उसके बाद बी एंड सी टच ईच अदर, जो नई वैल्यू आई उससे बी और सी को टच करो और फिर रख दो। तीसरी कंडीशन आने के बाद में फाइनली वी हैव टू सी दैट ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, विल ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर और नॉट, एंड फाइनली बी एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर और नॉट। अच्छा, अट्रैक्शन कब होगा या रिपल्जन कब होगा, अगर बोथ निगेटिव बोथ पॉजिटिव मतलब लाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा, रिपल्जन होगा, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो चलो एक एक करके देखेंगे इसको। सबसे पहला कंडीशन क्या दिया, सेम मटेरियल एंड सेम साइज, जैसा कि मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के अंदर कि अगर 2 चार्ज को ज्वाइन करें तो हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन जब उनको अलग करेंगे तो चार्ज, अगर मटेरियल सेम और साइज सेम है तो चार्ज क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। देखो कैसे, सॉल्यूशन देखो, सीधा सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या था हमारे पास में, ए बी सी, ए बी सी, ए कितना था 3 मिलीकूलम, बी 3 मिलीकूलम, सी -6 मिलीकूलम, राइट? अब कंडीशन देखो क्या थी, ए एंड सी टच ईच अदर, जैसे मैंने ए और सी को टच किया +3 - 6 कितना हो गया -3 मिलीकूलम होगा, टोटल चार्ज कितना होगा -3। अब अलग किए तो हर एक के पास कितना कितना जाएगा, बी तो एज इट इज रहेगा ना, बी कितना रहेगा 3 मिलीकूलम, हम टच किसको कर रहे हैं, ए और सॉरी हाँ फर्स्ट ए एंड सी को टच करें तो ये कितना 3 मिलीकूलम, ये -6 मिलीकूलम, टोटल टच करने का कितना हो गया
माइनस 3 मिली कूलम। अब अलग करके रखे तो कितना होगा, ए पर कितना आएगा माइनस 1.5 मिली कूलम और सी पे कितना होगा माइनस 1.5 मिली कूलम। अरे समझ रहा है, टोटल कितना हो गया था ज्वाइन करने से माइनस 3, अलग के तो दोनों ने इक्वल लेके गए यानी माइनस 1.5 माइनस 1.5 मिली कूलम। ये हमें सेकंड कंडीशन मिला। थर्ड कंडीशन, अब किसको टच करने बोला थर्ड कंडीशन में, बी एंड सी टच ईच अदर। अब किसको टच करना है, ये वाले को नहीं, अब ये वाले को जो फाइनल आया हमारा, बी एंड सी ये दोनों को टच किए, टोटल कितना चार्ज होगा टच करने से, इसको और इसको टच किया तो टोटल चार्ज कितना होगा 3 मिली कूलम माइनस 1.5 यानी कितना हो गया 1.5 मिली कूलम। अब अलग ही ये तो एज इट इज रहेगा माइनस 1.5 मिली कूलम, टच ये दोनों को करे, दोनों को ज्वाइन किए कितना आ गया बताओ 1.5 मिली कूलम। इसको दो इक्वल पार्ट में किए क्या होगा 7.5 यानी बी पे कितना आ जाएगा 7.5 प्लस मिली कूलम और सी पे कितना आएगा 7.5 मिली कूलम। ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा ये इक्वल कब होगा मैंने बता चुका हूँ, व्हेन मटेरियल एंड साइज आर सेम। अगर ये अलग अलग होगा तो ऐसा नहीं आएगा, दैट विल बी योर अनदर कंडीशन। अब देखो क्वेश्चन क्या बचा, विल फाइनली ए एंड बी अट्रैक्ट, क्या ए और बी अट्रैक्ट करेंगे, ए एंड बी में क्या होगा और बी एंड सी में क्या होगा बताओ। ए निगेटिव है बी पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होगा, यस अट्रैक्ट। बी और सी को देखो, बी और सी, बी क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, अंडरस्टूड, कॉपी डाउन, ओके। देखो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वन प्लेस टू अनदर, सपोज ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क में जा रहे हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या ऐसा सुना है कि आधा इलेक्ट्रॉन जा रहा है या 3/4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर में जाएगा, इसलिए इंटीजर जो हम देख रहे हैं Q इज इक्वल टू एन ई, एन शुड बी ऑलवेज इन होल नंबर, यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या दो ट्रांसफर होगा या तो तीन ट्रांसफर होगा, आधा पौना डेढ़ जैसा नहीं होगा, अंडरस्टूड। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 0.8 × 10⁻¹⁷ कूलम, क्या बॉडी के अंदर इतना चार्ज हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन से हो सकता है। देखो वी हैव स्टडी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच एनी, बॉडी पे कितना चार्ज है 0.8 × 10⁻¹⁷, कितने इलेक्ट्रॉन से इतना चार्ज क्रिएट होगा एन से, इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइड ईयर 0.8 × 10⁻¹⁷ अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ एन, पॉइंट हट गया, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, कितना हो गया ये 0.5, 10⁻¹⁹ ऊपर जाके क्या होगा प्लस 19 मतलब 10⁻², तो n इज इक्वल टू हाउ मच है 50 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 50 इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बॉडी में कितना चार्ज क्रिएट होगा 0.8 × 10⁻¹⁹ कूलम, अंडरस्टूड। अगर इस पर कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट्स हो या कुछ गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।